19 अगस्त और आज के दिन रक्षाबंधन है, तो आप सभी को मेरे और मेरे YouTube फैमिली की तरफ से सभी को हैप्पी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी आज इस गरीब रथ का फर्स्ट LHB रन था अपनी भोपाल साइड से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक और नई जर्नी में। फिलहाल मैं शो उत्तर प्रदेश की कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और आज के मैं ट्रेन जर्नी ट्रेन नंबर 1254 मध्य प्रदेश के भोपाल और उत्तर प्रदेश की नवाबों के शहर अपनी लखनऊ जंक्शन के बीच चलने वाली ब्रांड न्यू फर्स्ट LHB रन गरीब रथ एक्सप्रेस में आज हम सफर करेंगे। इसीलिए सफर की शुरुआत करते हैं अपनी उत्तर प्रदेश की कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी वीडियो के अंदर बने चलते हैं प्लेटफॉर्म की और बाकी बात करते हैं अंदर चल के। अभी हम लोग आज के उत्तर प्रदेश के अपनी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 6 पे, क्योंकि अपनी जो गरीब रथ एक्सप्रेस है प्लेटफॉर्म 6 से जाएगी। लगभग डिस्टेंस हम टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 72 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेंगे। 1 घंटा 40 मिनट यानी 2.5 घंटे का हमारा सफर होने वाले अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस। इस बीच जो स्टेशन का एवरेज स्पीड दिया गया 43 किलोमीटर पर, मैक्सिमम पर स्पीड 130 किलोमीटर पर। चले मिलते हैं सीधा अपने टैंक के राइवल के साथ, फिर करते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। फाइनली 5 मिनट होल्ड के बाद निकल चुके अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस अपनी ब्रांड न्यू फर्स्ट LHB रन के साथ अपनी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 5 मिनट डिले के साथ, और यहाँ से अप्रॉक्स 72 यानी 72 किलोमीटर नौ मिनट के बाद अपना फाइनल डेस्टिनेशन और इस ट्रेन का फाइनल डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश की नवाबों से अपनी लखनऊ जंक्शन। चलिए फाइनली अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से निकली, और भाई सुबह का टाइम था तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से देख लो भाई 20 के जो है ना 3 समोसे ले लिए। चलिए इसका टेस्ट करते हैं और आपको खा के बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है अपनी समोसे का। सबसे पहले समोसे का टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है। वैसे समोसे गर्म है और उसके साथ भाई हरी मिर्च दिया गया, तो चलिए समोसे को खाते हैं भाई। भाई टेस्ट की बात करना तो टेस्ट सही है, खा सकते हो, गर्म है, सुबह का टाइम है तो भाई ब्रेकफास्ट के लिए मैंने समोसे ही दिखा, समोसे ही ले लिया। बाकी जर्नी तो जर्नी कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को सबसे पहले विश करना चाहता हूँ कि आज है 19 अगस्त और आज के दिन रक्षाबंधन है, तो आप सभी को मेरे और मेरे YouTube फैमिली की तरफ से सभी को हैप्पी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई भीड़ देखो, कितने लोग नहाने के लिए दर्शन करने के लिए, आज है रक्षाबंधन इस वजह से भाई देख लो भाई कितनी सारी भीड़ देख रहे हो, देखो भाई नीचे भीड़। तो फिलहाल
फिलहाल इस वक्त अपनी ट्रेन उन्नाव जंक्शन पे खड़ी है। वैसे तो अपनी ट्रेन का ऑफिशियल स्टॉपेज था नहीं, बट सिग्नल होने के अपनी उन्नाव जंक्शन में अपनी ट्रेन खड़ी है। बात करते हैं इसको जंक्शन पॉइंट की बनाया, क्योंकि हम लोग आए कानपुर की तरफ से, यहाँ से निकलते हैं लखनऊ और एक लाइन यहाँ से रायबरेली की ओर निकल जाती है और एक लाइन यहाँ बालामऊ जंक्शन की ओर, चार लाइन आके मिलते हैं, इसीलिए इसको जंक्शन पॉइंट बनाया। बाकी चलिए देखिए कब तक यहाँ से निकलते हैं। चलिए दोस्तों अपने भोपाल लखनऊ अपनी ब्रांड न्यू फर्स्ट एलएचबी रन के साथ अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का 36 इकोनॉमी कोच कैसा है देखते हैं इंटीरियर। वैसे वास्तव में जान से सामने छोटा सा मिरर है जो कि बाकी पानी का छिटअप है, बाकी बेसिंग देख लो भाई घुट कर था के लोग थूक गया, बाकी इसमें ऐसा सेंसर दिया हुआ है पानी आने के, बाकी नीचे डस्टबिन इस साइड फायर एक्सटिंग्विशर डस्टबिन। चलिए वाशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसे है। अभी हम लोग आ चुके हैं वाशरूम के अंदर, सामने छोटा सा मिरर है जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, छोटा सा ट्यूबलाइट दिया हुआ है, उसके साथ हैंगर दिया हुआ है कपड़े टंगे हुए, बाकी देखो सोप में होल्डर दिया हुआ है, बाकी यहाँ देखो बेसिंग है नीट एंड क्लीन, पानी जो है ना आ रहा है नीचे डस्टबिन, बाकी देखो नीचे कारपेट लगा है। साफ सफाई की बात करें तो मिला जुला के ठीक है। चलिए कोच का कंडीशन देखते हैं कैसा है। चलिए दोस्तों अपनी भोपाल लखनऊ अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का फर्स्ट एलएचबी रन में अपनी 36 इकोनॉमी कोच का इंटीरियर देखते हैं कैसा है। वैसे चलिए जैसे स्लाइडिंग डोर ओपन किया गया, बाकी ये रहा अपनी 36 इकोनॉमी कोच अपनी ब्रांड न्यू अपनी भोपाल गरीब रथ एक्सप्रेस की, भाई देख लो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, मिला के कचरा पड़ा हुआ है वैसे, बाकी यही अपनी ब्रांड न्यू एलएचबी कोचेज अपनी भोपाल लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस। बाकी इंटीरियर तो आज फर्स्ट एलएचबी रहना तो ठीक ठाक है भाई, इकोनॉमी है। बाकी ये रहा अपनी एलईडी स्क्रीन, यहाँ पे देखने को मैं सीसीटीवी कैमरा एक उस गेट में, बाकी यही अपनी थर्ड इकोनॉमी कोच अपनी ब्रांड न्यू अपनी भोपाल लखनऊ अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस। इंटीरियर देखो छोटा सा मिरर है, उसके साथ होल्डर, यहाँ पे कर्टन दिया जाता है, चार्जिंग सॉकेट दी जाती है, तो उसके साथ आपको स्टडी लैंप भी, बाकी इस साइड की फैसिलिटी है, यहाँ भी जो है ना वाटर बोटल होल्डर, बाकी उस साइड पे आपको, बाकी यही अपनी थर्ड इकोनॉमी कोच अपनी इंटीरियर अपनी भोपाल लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस फर्स्ट एलएचबी रन। बाकी बात करूँ तो देख लो भाई वैसे ही कचरा पड़ा हुआ है चारों तरफ, बाकी यही अपनी ब्रांड न्यू फर्स्ट एलएचबी रन के साथ अपनी भोपाल लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस भाई। और थर्ड इकोनॉमी कोच में यही अंतर होता है कि भाई अपर वाले बर्थ पे आदमी सही से बैठ नहीं सकता, पानी नहीं पीता, सर जो है ना टकरा जाता है, बाकी सीट जो है ना काफ़ी कम चौड़ाई दी जाती है, केवल एक ही आदमी जो है ना लेट सकता है, बाकी यही अपनी फर्स्ट एलएचबी रन अपनी भोपाल लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस। तो यही था कि पहले ग्रीन लिवरी अपनी ओरिजिनल आईसीएफ कोचेज में गरीब रथ चलती थी, तो उसमें साइड में भाई आपको तीन सीट देखने को मिलता था अपनी अपर लोअर मिडिल, तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। और थर्ड इकोनॉमी कोच में यही होता है कि भाई पैसे बहुत कम दिए जाते हैं और अपर बर्थ पर आप सही से बैठ नहीं सकते, पानी पीने में भी दिक्कत हो, सर जो है ना टकरा जाता है, और एक सीट पर केवल एक ही आदमी जो है ना वो लेट सकता है, बाकी यही होती है अपनी थर्ड इकोनॉमी कोच का इंटरव्यू अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस की। तो फिलहाल हमारी इंडियन रेलवे धीरे धीरे सभी गरीब रथ को ग्रीन लिवरी आईसीएफ कोचेस को हटा के थर्ड इकोनॉमी एलएचबी कोच में कन्वर्ट करी। आखिरकार आज अपनी फाइनली लंबे इंतजार के बाद फाइनली अपनी भोपाल लखनऊ और रायपुर वाली गरीब रथ का भी आज एलएचबी कोच मिल ही गया।
देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे के नेटवर्क में जितने भी गरीब रथ चलते हैं, किसी भी गरीब रथ में भाई पेंट्री कार का कोच नहीं होता है और साइड पेंट्री अवेलेबल है जिसके द्वारा आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। और ये जो अपनी भोपाल लखनऊ गरीब रथ है, इसका रेक शेयर होता है अपनी लखनऊ से रायपुर वाली गरीब रथ में। और इस ट्रेन में ICF को जब ग्रीन ले रही थी तब उसमें भाई टोटल 16 कोचेस थे, 14 पैसेंजरों के लिए और 2 जनरेटर का। और LHB होने के बाद भाई टोटल 22 कोचेस जो है ना वो दे दिए गए, 20 कोच अपने पैसेंजरों के लिए और 2 जनरेटर का। बाकी इसी का रेक जाएगा आज रायपुर, फर्स्ट LHB रन बन के अपनी गरीब रथ का रेक। और इसी का रेक कल गया था अपनी 18 अगस्त को अपनी लखनऊ से भोपाल वाली गरीब रथ में। तो फाइनली रीच डेट फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट उत्तर प्रदेश की नवाबों के शहर अपनी लखनऊ जंक्शन, जिसको छोटी लाइन के नाम से जाना जाता है। और अपनी ट्रेन तो भैया समय हो रखा है सुबह के 9:30 और फाइनली हम पहुंच गए अपनी जर्नी का। और इस ट्रेन का फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट यानी नवाबों के शहर अपनी लखनऊ जंक्शन, जिसको छोटी लाइन के नाम से जाना। और जस्ट बाहर निकलेगा लखनऊ चार बाग, जिसको बड़ी लाइन के यहाँ अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम था सुबह के 9:45, लेकिन अपनी ट्रेन भाई 5 मिनट बिफोर, ऐसे ही 15 मिनट बिफोर अपनी कानपुर में आ गई थी। बाकी आज इस गरीब रथ का फर्स्ट LHB रन था अपनी भोपाल साइड से। और कल ही इस ट्रेन को 18 अगस्त को यहाँ लखनऊ से भोपाल फर्स्ट LHB रन। और आज इस ट्रेन का जो है ना रेक जाएगा अपनी रायपुर LHB में फर्स्ट LHB बन के। बाकी जर्नी एक्सप्रेस की बात को भाई, जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक था, नॉन स्टॉप की जर्नी थी। बस आपको अपडेट देना था कि ये अपनी बदल गई अपनी नया अवतार में, ब्रांड न्यू 3rd इकोनॉमी LHB कोच में अपनी गरीब रहते हैं। चलिए इस जर्नी को एंड करते हैं, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। जो मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द, इस फॉलो कीजिए मेरा अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।